हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से वर्डप्रेस है। मैं आज आपको फिर से वर्डप्रेस पे एक नया प्रोजेक्ट, क्लाइंट की डिमांड पर एक प्रोजेक्ट आया है, उसको बनाना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों पहले उस प्रोजेक्ट से देख लेते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन मेरे पास आ चुका है और उस डिजाइन को वर्डप्रेस में आप लोगों के सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्क्रैचिंग से पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। दोस्तों दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर सोल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों दोस्तों, चलते हैं और प्रोजेक्ट देखते हैं। दोस्तों ये डिजाइन है जो क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये विक्स में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। विक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे ये डिजाइन, आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा डिजाइन पैटर्न बना हुआ है, पूरा वेबसाइट विक्स में बना हुआ है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को मुझे अब वर्डप्रेस के अंदर बनाना है, वर्डप्रेस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, मैं ये कह सकता हूं। दोस्तों दोस्तों, तो बने रहना मेरे इस वेब सीरीज में, यानी कि वीडियो की इस सीरीज में, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को सिखाने वाला हूं। अगर आप रियली में वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूं, और मेरा ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है, यानी कि मैंने वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर भी लिया है, इवन उसमें डीबी थीम भी इंस्टॉल कर लिया है। अब काम करना बाकी है। दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर वे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस जो ये प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हो, अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, विक्स में बना हुआ है, इसको आप लोगों के सामने बिल्कुल स्क्रैचिंग से वर्डप्रेस में बनाने वाला हूं, और आपको दिखा भी देता हूं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्डप्रेस में बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहा हूं आप लोगों को, सिखाने की कोशिश है मेरी। तो बने रहना मेरे वीडियो में, छोड़ के मत जाना मुझे, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड हर सोल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया था कि मैं आपको क्या चीज अब सिखाने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहना मेरे अगले वीडियो से, मैं प्रॉपर वे में आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो भी क्लाइंट की डिमांड पे। ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जो मुझे अभी अभी मिला है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और पूरा जब मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा तो हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक वर्डप्रेस में अच्छा खासा वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी कस्टम वेबसाइट स्क्रैचिंग से कैसे बना सकते हैं, हम वो सीखने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से बनाना सीखेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।